आपको एपिसोड देखना पड़ेगा ये जानने के लिए. मैं इसके आगे कुछ नहीं बता पाऊंगी, सिर्फ ये बताऊंगी आपको कि हम एक साइकाइट्रिस्ट के पास आए हुए हैं और मैं पहली बार किसी फिल्म या किसी शूट पर साइकाइट्रिस्ट के यहाँ आई हूँ. तो इट्स इंटरेस्टिंग. विद्या जी अगर देखा जाए तो आप प्रमोशन कहीं आप इमरान को या राजकुमारी को मिस कर रही हैं कि अगर वो भी साथ में होता तो और अच्छा होता. हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए साथ में पर आई गेस ये टेलीविजन इंटीग्रेशन की स्क्रिप्ट जिस तरह से बनी है आई वॉज रिक्वायर्ड वो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं. हम सब इसमें जुड़े हुए हैं. इट्स वेरी नाइस टू हैव विद्या जी ऑन बोर्ड. ये है मोहब्बतें की शान बढ़ गई आज. विद्या जी सॉरी इस इवेंट से थोड़ा हट के मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि करण जो रिसेंटली सेड दैट कि यहाँ पे जो मूवी मेकिंग है वो इतनी लिबरल नहीं है, हमें मतलब काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं अभी राइट फ्रॉम सेंसरशिप टू पॉलिटिकल प्रेशर्स, और अगर ये सब ना हो तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और भी ऊपर हो सकती है और भी अच्छी बन सकती है. कितना मानती हैं आप इस बात को? आई डेफिनेटली थिंक और रादर अग्री विद करण. हम लोग यू नो लोग हमारे लिए डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए. मैं कह रही हूँ कि फ्रीडम ऑफ चॉइस कब हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सब बात कर रहे हैं एंड बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रीडम ऑफ चॉइस इन अ डेमोक्रेसी. वी शुड हैव द फ्रीडम टू चूज व्हाट वी वांट टू डू. आजकल मुझे नहीं लगता कि एक हद से ज़्यादा एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर मैं कोई प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रही हूँ मैं एक हद तक जानकारी पा सकती हूँ कि उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या गया है, पर उससे ज़्यादा मैं वहाँ जाके फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना तो नहीं सकती. तो एक हद तक जिम्मेदारी होती है, उससे ज़्यादा नहीं.